दोस्तों, जैसे कि आप लोग जानते हो कि आज की तारीख में लोगों को जो है अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए जो है किसी न किसी तरीके की फंड की नीड है, क्योंकि उनको पता है कि बिजनेस के अंदर अगर आपकी स्ट्रैटेजी अच्छी है, अगर आपके पास आइडियाज़ अच्छे हैं, आप अपने जो है आपने पूरी तरीके से जो है पूरी प्लानिंग कर रखी है, लेकिन उस प्लानिंग को एग्जीक्यूट करने के अंदर कहीं ना कहीं आपको जो है फंड की नीड होती है, जिस फंड के बेसिस पे जो है आप लोग अपने बिजनेस को काफ़ी अच्छे ग्रोथ में ला सकते हो और तभी आपका बिजनेस जो है काफ़ी अच्छे लेवल तक जो है ऊपर बढ़ सकता है। लेकिन ऐसे केस में बात करते हैं कि हमें बिजनेस लोन मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये लोगों के मन में सवाल होता है। और बिजनेस लोन मिलेगा अभी तो ये कब तक मिल जाएगा और कैसे अप्लाई करना है, लोगों के मन में इस बात को लेकर काफ़ी कंफ्यूजन होता है। तो मैं एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ कि अगर आपके पास फेडरल बैंक का अकाउंट है और फेडरल बैंक में अगर आपका अपने पास जो है खाता है करंट या फिर सेविंग्स जो भी है, मेरे हिसाब से जो है ज़्यादातर करेंट अकाउंट के लिए ही होता है। तो अगर आपके पास जो है फेडरल बैंक का खाता है तो सिंपल तरीके से जो है आप लोग यहाँ से बिजनेस लोन को अप्लाई कर सकते हो। जैसे कि आप देख सकते हो काफ़ी कुछ जानकारी इसके अंदर दी गई है और कैसे कैसे आपको लोन को अप्लाई करना है उसका मैं पूरा प्रोसेस आपको समझाने वाला हूँ इसी वीडियो के माध्यम से। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरे एंड तक जरूर वॉच करना। सो वेलकम गाइस, वेलकम टू लोन पाव यूट्यूब चैनल। इस वीडियो को एंड तक जरूर वॉच करें तभी आपको पूरा प्रोसेस पता चलने वाला है कि फेडरल बैंक से आप लोग जो है एसएमई लोन के अंदर बिजनेस लोन यानी एसएमई लोन एज इट इज आप कह सकते हो कि एसएमई लोन को आप लोग जो है कैसे अप्लाई कर सकते हो। इस वीडियो को एंड तक जरूर वॉच करना क्योंकि इस वीडियो के अंदर आपको जो है पूरा प्रोसेस बताया जाएगा। तो सबसे पहले अगर आप लोग फर्स्ट टाइम चैनल पे आए हो तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, वीडियो को लाइक शेयर एंड नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है कि आपका आपका नाम क्या है। शुरू करते हैं वीडियो को और बात करते हैं स्टेप्स एंड प्रोसेस की। तो और बात करते हैं कि मैं पहले बता दूं, ये वीडियो जो है प्रॉपर तौर पर जो है एक एजुकेशन पर्पज के लिए बनाई जा रही है, तो आप इसको ध्यान से वॉच करें। कोई भी दिक्कत आती है तो कॉमेंट्स में जरूर पूछे, आपकी मदद के लिए जो है हमेशा हाजिर रहेंगे। शुरू करते हैं वीडियो को। तो बता दें ये वीडियो है, वीडियो जैसे चाहिए टाइटल, टाइटल जैसे आप लोग क्लिक करोगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुलेगा जिसके अंदर आपको मिलती है वेबसाइट लिंक, जिस पर सिंपली आपको कर देना है क्लिक। लिंक पे आप लोग क्लिक करते सीधा पहुंच जाएंगे लोन पावर डॉट इन के ऑफिशियल वेबसाइट पे। लोन पावर डॉट इन के साइट पे पहुंचने के साथ ही यहाँ पे आपको सबसे पहले जो है देख पाओगे कि जब वेबसाइट आपकी खुल जाए तो यहाँ पे आपको पहले तो मेन्यू बार के अंदर जाना होगा। इसके अंदर आपको जो है कैटेगरी देखने को मिलेगी। अब कैटेगरी क्यों है ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आपको कौन सा लोन अप्लाई करना है ये बात आप भी जानते हैं। आपको बिजनेस लोन अप्लाई करना है और बिजनेस लोन की कैटेगरी है तो बिजनेस लोन पर टैग करना है। बिजनेस लोन पर ऐसे क्लिक करोगे इसके बाद यहाँ पे आपको मिलता है कैनरा, मुद्रा, पीएनबी, बहुत सारे लोन्स इसके अंदर देखने को मिल जाते हैं। लेकिन इसके अंदर आपको क्योंकि बिजनेस लोन के अंदर फेडरल बैंक से बिजनेस लोन लेना है और अगर आप नेक्स्ट करते करते जाओगे तो आपका काफ़ी टाइम जा सकता है, तो आपको दोबारा से क्या करना है मेन्यू बार पे जाना है और आपकी बार जो आप सर्च का इस्तेमाल कर सकते हो और यहाँ पर जाकर आपको सिंपली कीवर्ड को टाइप करना है फेडरल और आगे डालना है आपको फेडरल बिजनेस। इतना कीवर्ड डाल के नॉर्मली आपको सर्च करना है। इसके बाद आपको जो है देखने को मिलेगी आर्टिकल, इस आर्टिकल जो देखने को मिल रहा है इस पर सिंपली टैप करना है और आर्टिकल आप लोग सामने डिटेल में एक्सपांड हो जाएगा। जब आर्टिकल खुल जाएगा तो मैं पहले बता दूं इस आर्टिकल को आप अपने जो है किसी भी भाषा में जो है इजिली ट्रांसलेट कर सकते हो। ट्रांसलेट करने का प्रोसेस काफी ईजी है, हिंदी सहित और रीजनल लैंग्वेजेस में भी आप लोग पढ़ सकते हो। इस इन्फॉर्मेशन में आपको मिलेगी क्या क्या, मतलब इस कंटेंट के अंदर इन्फॉर्मेशन किस किस चीज़ की वो मैं समझा देता हूँ। यहाँ पे आपको मिलेगी पहली जानकारी एलिजिबिलिटी की कि बिजनेस लोन अप्लाई करने के लिए फेडरल बैंक से आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होनी चाहिए। दूसरी बात आती है एलिजिबिलिटी आप लोगों ने कंप्लीट कर ली तो डॉक्यूमेंट्स का कौन कौन सा सेगमेंट आपको कंप्लीट करना होगा। डॉक्यूमेंट्स का सभी सेगमेंट कंप्लीट कर लिया है तो बात आती है इंटरेस्ट रेट की, बात आती है यहाँ पे आपके जो है और भी बहुत सारे जो है चार्जेस वगैरह की अगर लगते हैं तो उसके पूरे जो है डिटेल्स आपको मिल जाएंगे इस आर्टिकल के अंदर, पूरा पढ़ सकते हो ताकि आप लोगों के जो डाउट्स वो क्लियर हो जाए। जब डाउट्स क्लियर हो जाए, जब बात आती है सीधा लोन को अप्लाई करने की, तो यहाँ पे आपको मिलता है विजिट का लिंक जिसके अंदर फेडरल बैंक की लिंक है। सिंपली इस पे क्लिक, विजिट के लिंक पे आप लोग क्लिक करते हो सीधा पहुंच जाओगे फेडरल बैंक के ऑफिशियल वेबसाइट पे जो कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे आप लोग यहाँ पहुंच जाओगे इसके बाद यहाँ पे आपको जो है प्रॉपर तौर पर वेबसाइट जब आपकी ओपन हो जाए तो आप देख सकते हो कि इंट्रो में भी आप लोग जो है सेम इसी वेबसाइट पर आए थे और अब जो जितना भी प्रोसेस कंप्लीट करके आए हो आप सीधा यहीं पर आ चुके हो। देखो जरूरी नहीं है कि आप जो है जो मैंने तरीका बताया आप उसी तरीके से यहाँ रीडायरेक्ट करो, आपके पास और भी बहुत सारे वेज हैं। आप सीधा क्रोम ब्राउजर पर जाकर फेडरल बैंक बिजनेस लोन आगे सर्च करोगे तो एसएमई लोन के अंदर आ सकते हो, लेकिन ये सीधा सरल बनाने का रीजन ये है कि ज्यादा आप लोगों को जो है ज्यादा घूमना फिरना ना पड़े। शुरू करते हैं तो बात करते हैं देखो ओवरव्यू की कि यहाँ पे फेडरल बैंक बिजनेस लोन के ओवरव्यूज क्या है। तो देख सकते हो कि यहाँ पे जो है आपको बिजनेस लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, जीएसटी, पीआर बेस्ड लोन, को बिजनेस लोन आपको मिलता है, रेंट रेंट सिक्योरिटाइजेशन लोन है, बिजनेस व्हीकल लोन है, टर्म लोन, डिमांड लोन फॉर फंडिंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट फॉर द एक्विजिशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इसके अंदर आपको मिलेगी। की फीचर्स की जहाँ तक बात करता हूँ तो इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेगी। सबसे पहले बता दें तो यहाँ पे आपको क्विक अप्रूवल मिलता है इस लोन का, साथ ही में हैसल फ्री बैलेंस ट्रांसफर है और आप रिपेमेंट ट्रैक कर सकोगे। सिंपल असेसमेंट नॉर्म्स है, 120 महीने तक आपको जो है लॉन्गर रिपेमेंट का टाइम मिल जाता है, फ्लेक्सिबल रीपेमेंट ऑप्शन है, अट्रैक्टिव इंटरेस्ट रेट है, लो मार्जिन रिक्वायरमेंट्स ऑफ सिक्योरिटीज है ऑन सिक्योरिटीज एंड फ्रेश लोन रिकवर्स रिमर्जर ऑफ एक्सपेंसेस, बाकी सारी आप चीज पढ़ सकते हो। फीचर्स ऑफर्ड की बात करते हैं तो वर्किंग कैपिटल एंड नॉन फंडेड लिमिटेड में फॉर पढ़ सकते हो इसके बारे में, ठीक है। वर्किंग कैपिटल और नॉन फंडेड लिमिट्स, टर्म लोन एंड डिमांड लोन के बारे में जानकारी दी गई है। हाउ टू अप्लाई के सेक्शन को कंप्लीट करेंगे, लेकिन सबसे पहले कोई भी बिजनेस लोन को अप्लाई करने से पहले जो आप लोगों के मन में डाउट आता है वो आता है डॉक्यूमेंटेशन का। तो देख लो डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पे आपको क्या क्या चाहिए। तो डॉक्यूमेंट्स के तौर पे आपको चाहिए प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, मैं आपको नॉर्मल कर देता हूँ, आधार कार्ड रख लेना, सिंपल वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड ये और पासपोर्ट।
इनमें इन 5 में से 2-3 हुए या फिर जा रही हुए तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। एड्रेस प्रूफ के तौर पर राशन कार्ड, टेलीफोन बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल या बिल लीज दे सकते हो, लीज एग्रीमेंट, पासपोर्ट, ट्रेड लाइसेंस, सेल्स टैक्स सर्टिफिकेट, ये आप एड्रेस प्रूफ के तौर पे दे सकते हो। बैंक अकाउंट स्टेटमेंट कम से कम 12 महीने की होनी चाहिए, तो फेडरल बैंक की 12 महीने की बैंक स्टेटमेंट आपके पास होनी चाहिए। प्रूफ ऑफ कंटिन्यूशन के तौर पे आप ITR, ट्रेड लाइसेंस एस्टेब्लिशमेंट, सेल्स टैक्स सर्टिफिकेट और इनकम टैक्स GST R, सेल्स टैक्स रिटर्न ऑफ प्रोपराइटर, पार्टनरशिप फर्म्स, कंपनीज अनवेरेबल एप्लीकेबल, उनके जो है डिटेल्स आप दे सकते हो। ऑडिटेड या अनऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में जो है पूरी इन्फॉर्मेशन दे सकते हो, पास्ट 2 ईयर्स की इन केस ऑफ एक्जिस्टिंग यूनिट्स, और प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में पढ़ सकते हो, कॉपी ऑफ लाइसेंस NOC फ्रॉम द लोकल बॉडी, लाइसेंस फ्रॉम द कॉम्पिटेटिव अथॉरिटी, फ्रॉम द रनिंग बिजनेस और अदर डॉक्यूमेंट्स में भी रिक्वेस्टेड एज पर इंडिविजुअल प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट। यानी कि आपको कोशिश करनी कि अपनी तरफ से KYC डॉक्यूमेंट्स और बिजनेस डॉक्यूमेंट्स को आप अपने साथ में जरूर रखें, लेकिन कुछ एडिशनल डॉक्यूमेंट्स को भी लेकर जरूर जाए ताकि वहां पर आपके सामने जो है डॉक्यूमेंट्स की कमी ना हो, क्योंकि आपको इस डॉक्यूमेंट्स के बिहाफ पे ही जो है आपको एप्लीकेशन फॉर्म को कंप्लीटली भर पाओगे, और एप्लीकेशन फॉर्म को कंप्लीटली भर पाओगे तो इसका मतलब यह है कि आपको डॉक्यूमेंट्स भी अटैच करने पड़ेंगे। डॉक्यूमेंटेशन के बेसिस पे ही आपकी वेरिफिकेशन, आपके बिजनेस की वेरिफिकेशन हो पाएगी और तब जाके आपका जो है बिजनेस लोन पूरी तरीके से जो है अप्रूवल के प्रोसेस में डाला जाएगा। तो ये तो बात हो गई है आपके डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट की, जो मैंने आपको समझा दिया है, और साथ ही बात करते हैं रीपेमेंट की। तो वैसे 120 महीने की हमने यहाँ पे बताई थी, देखे देखिए रीपेमेंट ऑफ द लोन इज मेड बाय एज इक्विटी इक्वल मंथ इंस्टॉलमेंट्स और यू कैन यूज एनी अदर द वे रीपे द लोन, मतलब कि रीपेमेंट के ऑप्शन तो काफी सारे, चेक के थ्रू, फेडनेट के थ्रू, नैच के थ्रू, मोबाइल बैंकिंग और इन सब चीज़ों के थ्रू आप कर सकते हो। बाकी रिटर्न एंड फीस यानी इंटरेस्ट रेट की अगर आपको जाननी है रेट्स एंड इंटरेस्ट रेट के बारे में, तो पूरी जानकारी इसके अंदर आपको जो है मिल जाएगी, तो आप इसको जरूर पढ़ सकते हैं, क्योंकि इसमें आपका मैं ज़्यादा टाइम जो है नहीं लेना चाहता। अब मुद्दे की बात आती है कि भैया यहाँ पे हमें जो है लोन को अप्लाई कैसे करना है। दो मेथड से यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है गेटा कॉल बैक का, ये समझाऊंगा, इसके बाद दूसरा भी समझाऊंगा। गेटा कॉल बैक पे जैसे ही जाते हो तो आपको ये थोड़ा सा स्क्रॉल ऑटोमेटिक हो जाएगा, जस्ट वेट करोगे आप तो जैसे ही ये स्क्रॉल होगा और स्क्रॉल होने के बाद जो है ये आपके सामने एक फॉर्म आ जाएगा, देख सकते हो, इसको पूरी तरीके से भरना होगा। अगर आपका यहाँ पे अकाउंट अगर क्या होना ही चाहिए वैसे मेन भी, तो यहाँ पे आपको जो है अपना नाम, अकाउंट नंबर, अगर आप अब्रॉड में रहते हो तो यस कर सकते हो, वरना नो ही कर देना। बाकी सारी चीज़ को भर करके जो है आपको प्रोडक्ट वगैरह को चूज़ करके, जैसे मैं दिखाता हूँ, प्रोडक्ट वगैरह में जो है आपको SME लोन या बिजनेस लोन को जो है चूज़ कर लेना है। जैसे कि आप जैसे जाओगे नीचे तो मैं दिखाता हूँ, ये हम जा रहे हैं नीचे और ये देख सकते हो कि यहाँ पे SME स्कीम लोन के बारे में भी है, मतलब SME लोन को आपको सिंपली तरीके से जो है यहाँ पे चूज़ आउट कर लेना है, ठीक है। और इसी तरीके से भर के जो है आपको सिंपली सबमिट कर देना होगा, टैक्स वेरीफिकेशन, यहाँ पे जो टैक्स वेरीफिकेशन है वो आपको डाल के सबमिट कर देना होगा। इससे आपसे जो फेडरल बैंक के एग्जीक्यूटिव्स है वो कॉन्टैक्ट करेंगे, लेकिन आपको भी ये काम तो फिर अधूरा ही हो गया। तो हाँ, अधूरा तो है, क्योंकि जब तक वो आपसे बात नहीं करेंगे तब तक आपको प्रोसेस नहीं समझाएंगे पूरा का पूरा। तो अब बात करते हैं दूसरा मेथड क्या है। दूसरा मेथड बहुत आसान है, हाउ टू अप्लाई के सेक्शन में जाना है। यहाँ पे आपको देखने को मिलता है डाउनलोड द एप्लीकेशन फॉर्म का ऑप्शन, इस पर टैप करना है, ये सीधा आपको फॉर्म्स एंड स्टेशनरी की जो है ऑफिशियल सेगमेंट पर लेके जो है रीडायरेक्ट कर देगा। और यहाँ जाने के बाद जो है आपके सामने जो है सबसे नीचे जाना है और यहाँ पे SME लोन्स का ऑप्शन मिलता है। तो जैसे ही SME लोन्स के ऑप्शन पे क्लिक करोगे, इस पर टैप करना है और आपके सामने जो है एक एप्लीकेशन फॉर्म जो है खुल करके आ जाएगा, और वो एप्लीकेशन फॉर्म है आपके सामने SME लोन एप्लीकेशन फॉर्म फ्रॉम द फेडरल बैंक की तरफ से। तो देख सकते हो कि ये बेसिक लोन एप्लीकेशन फॉर SME लोन्स है, ठीक है। यहाँ पे एप्लीक्स फोटोग्राफ फॉर एप्लीकेंट और को एप्लीकेंट गारंटर, ठीक है, वो डाल देनी होगी, एप्लीकेंट की भी, एप्लीकेंट की डाल सकते हो, ठीक है। फिर शुरू करना है यहाँ से फॉर्म को भरना, और बाकी तो भर ही लोगे जाते हैं मुझे उम्मीद है। तकरीबन बात करूँ 13 पेज का यह एप्लीकेशन फॉर्म इसमें अंदर बताया जा रहा है, और इसको भरना काफ़ी ज़्यादा ईजी है। और साथ ही में ध्यान रखना कि इसके अंदर कुछ चीज़ें बताई भी गई होगी कि यहाँ पे चेकलिस्ट डॉक्यूमेंट्स आपके पास कौन कौन से जो है होने चाहिए, डॉक्यूमेंट्स आप देख लेना, ठीक है। तो यही चीज़ है कि जो जो डॉक्यूमेंट्स को आप साथ में भी लिखा है ना, SME बेसिक लोन एप्लीकेशन चेकलिस्ट फॉर डॉक्यूमेंट्स टू बी एनेक्सेड, तो यहाँ पे आप देख लेना, ठीक है। बाकी इसको फॉर्म को जैसे भरना, जो भी मैंने डॉक्यूमेंट्स बताया उन डॉक्यूमेंट्स को साथ में बहुत अच्छी तरीके से आप जो है अटैच कर सकते हो। KYC डॉक्यूमेंट्स, बिजनेस डॉक्यूमेंट्स, सारी चीज़ को अच्छे से अटैच कर देना। कोई भी डॉक्यूमेंट्स अगर छूटता है तो आप एडिशनल अपने पास जरूर रखें, क्योंकि इस फॉर्म को भरते वक्त में साथ में डॉक्यूमेंट्स आप अटैच करोगे, इसको आपको जो है अपने फेडरल बैंक के नियरेस्ट ब्रांच पर जाकर जमा करना होगा। अगर वहाँ पर और डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी तो डेफिनेटली आपसे डॉक्यूमेंट्स और मांगे जा सकते हैं। तो ये था प्रोसेस, इसको फॉर्म को प्रिंट आउट करके जरूर भरे, साथ में डॉक्यूमेंट्स को अटैच जरूर करें, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ को अटैच जरूर करें, 6 महीने से ज़्यादा पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपकी ओल्ड नहीं होनी चाहिए, और यही कुछ चीज़ें। बाकी अगर गलती से कुछ भूल चुक से चीज़ें बतानी भूल गया हूँ मैं, तो माफी चाहता हूँ। और यही था इस वीडियो के अंदर, आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, एंड यही था इस वीडियो के अंदर। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करें, एंड बैंक ऑफ इंडिया से अगर आपको शिशु लोन अप्लाई करना है वो भी मुद्रा लोन के अंदर, तो आई बटन में वीडियो मिलेगी, आके तुरंत वॉच करें। बाय।